नमस्कार। झटपट झटपट घरेलू डिश में आप लोग का स्वागत है। आज में हम बनाएंगे फ्रेंड जैक फ्रूट चिली। तो जैक फ्रूट चिली बनाने के लिए फ्रेंड ये 100 ग्राम जैक फ्रूट कटहल ले लीजिए। फ्रेंड देखिए हमने इसको छील काट के रखे हैं। फ्रेंड 100 ग्राम में ही आपका बहुत अच्छा बन जाएगा। फ्रेंड ये बहुत ही यूनिक अमेजिंग है। फ्रेंड तो देखिए इसके लिए फ्रेंड 2 आलू ये 3 से 4 कप पानी डाल के बॉयल होने के लिए रख दीजिए। फ्रेंड देखिए फ्रेंड कटहल 3-4 व्हिसिल मीडियम फ्लेम पे लग गया है। फ्रेंड अब इसको हम कुकर को खोलेंगे और इसको ठंडा होने देंगे थोड़ा। फ्रेंड 1.5 बड़ा चम्मच क्रोन फ्लोर लीजिए और 1.5 बड़ा चम्मच बेसन लीजिए। अब इसको इस तरह मैश कर लेंगे। फ्रेंड आलू और कटहल, कटहल का देखिए बॉयल होते सॉफ्ट हो गया। हम इसके आगे वाला भाग को निकाल लेंगे फ्रेंड ताकि आगे वाला भाग टेस्ट खराब करेगा, इसलिए आगे वाले भाग को निकाल लीजिए। ये देखिए सारा हमने निकाल लिए। फ्रेंड अब इसको अच्छे से मैश कर लीजिए थोड़ा। अब इसमें डाल लीजिए फ्रेंड नमक और लहसुन अदरक। देखिए लहसुन अदरक मिर्चा कुटा हुआ मोमजस्ता का हम इसमें डाल रहे हैं। फ्रेंड बहुत ही सिंपल है और कोई मसाला नहीं चाहिए। फ्रेंड अब इसको पूरी तरह मसलिए। फ्रेंड अब ठीक है फ्रेंड मसलिए। कटहल एकदम पकदम थोड़ा झालदार होना चाहिए, जिसमें झाग हो, एकदम ग्रीन वाला नहीं चाहिए, थोड़ा सा झाग वाला चाहिए। अब हम देखिए इसपे थोड़ा सा तेल लगाएंगे हाथों पे, कोई भी तेल लगा लीजिए और इसको इस तरह कीजिए। बस कटहल चिली बहुत ही आसान और बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है फ्रेंड। 2 मिनट में बन जाएगा आपको। इसी तरह फ्रेंड सारे को लंबा लंबा हम शेप दे लेंगे। आप चाहे तो बॉल भी बना सकते हैं, जैसा शेप दे ले। फ्रेंड 2 मिनट में ये बनकर तैयार होगा। फ्रेंड एक साइज का बना लेंगे। फ्रेंड हमने एक एक रेसिपी फ्रेंड बहुत सोच सोच के अमेजिंग रेसिपी झटपट झटपट घरेलू डिश पे अपलोड करते हैं फ्रेंड, ताकि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा सीखने का मौका मिले। फ्रेंड ये देखिए एकदम यूनिक रेसिपी, आप ये पूरे यूट्यूब कहीं पे भी ऐसा रेसिपी नहीं खाए होंगे। फ्रेंड हाथों पे तेल जरूर लगाइएगा। फ्रेंड आप चाहे तो छोटा बड़ा अपने अनुसार कर सकते हैं। फ्रेंड एकदम ऐसे ऐसे कीजिए, 2 मिनट में हो जाएगा। फ्रेंड इसी तरह आप सारे को बना लीजिए। देखिए फ्रेंड कढ़ाई गैस पे रख दिए हैं। अब इसमें हम सरसों तेल डाल लेंगे। फ्रेंड देखिए तेल को गर्म होने देंगे बिल्कुल। फ्रेंड एकदम गर्म हो जाएगा फिर उस कोफ्ते को डालेंगे। फ्रेंड देखिए फ्रेंड तेल बिल्कुल गर्म हो गया एकदम हीट। अब गैस को थोड़ा कम कर लेंगे। कम करने के बाद ये कोफ्ता डालेंगे। फ्रेंड ये बेसन वाला कोफ्ता अमेजिंग होगा। फ्रेंड एकदम से बिना कोई सामान बिना मसाला के बनाए फ्रेंड अमेजिंग जैकफ्रूट कोफ्ता चिली। फ्रेंड देखिए फ्रेंड 2 मिनट बाद इसको इस तरह हिलाएंगे तल लेंगे। ये देखिए फ्लेम मीडियम ही रखिएगा। फ्रेंड
देखिए फ्रेंड, ये कितना यूनिक रेसिपी है, आप कितना भी कहीं भी सर्च की लीजिए आपको कहीं नहीं मिलेगा फ्रेंड। फ्रेंड ये चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए फ्रेंड, और यूनिक से यूनिक रेसिपी का लुत्फ उठाइए फ्रेंड। आज रहब की जेब बता दबाल जिया कबले, जिया कबले कर सही बता दबा की जाए। तो गाना उना गाते होते एकदम यूनिक से यूनिक ट्रिक 2 मिनट में आप ये रेसिपी बनाकर खा सकते हैं फ्रेंड, एकदम यूनिक से यूनिक, बिना कोई मसाला, एक मसाला भी नहीं फ्रेंड। जिया कबले तर सही बता दबा। फ्लेम मीडियम ही रखिएगा फ्रेंड, इसी तरह हम थोड़ा चलाते हुए इसको तलेंगे फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, इसी तरह चलाते हुए हमने मीडियम फ्लेम पे देखिए इसको कितना अच्छा लाल कर लिया फ्रेंड एकदम से। अब इसको निकाल लेंगे फ्रेंड, बिल्कुल देखिए छूके ये कितना अच्छा बन गया फ्रेंड एकदम कुरकुरी। एकदम अमेजिंग रेसिपी है फ्रेंड, बिल्कुल दिमाग में सोचा हुआ कहीं नहीं आपको मिलेगा ये रेसिपी फ्रेंड, आप कहीं भी सर्च कीजिए, इतना यूनिक तरीके का रेसिपी है फ्रेंड। इसी तरह आप सारे को तल लीजिए फ्रेंड। देखिए करारी खास्ता जैक फ्रूट चिली का पकौड़ा बन गया फ्रेंड एकदम। अब देखिए फ्रेंड, इसमें थोड़ा सा तेल ज्यादा है, तेल को वापस निकाल लीजिए, इसमें तेल भी बिल्कुल नहीं लगता है फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, तेल बिल्कुल गर्म है, इसमें हम तेज पत्ता डालेंगे 2, जीरा और गोलकी 1 छोटी चम्मच, तड़के वाला लाल मिर्च 2 4 डाल लीजिए फ्रेंड बस। ये देखिए ज्यादा तड़का को जलाना नहीं है फ्रेंड, हमारा तड़का तैयार हो गया। अब 4 मीडियम साइज, 1 छिलके काट के मीडियम साइज प्याज डालिएगा। देखिए फ्रेंड हमारा प्याज देखिए कितना अच्छा लाल हो गया फ्रेंड, थोड़ा अब इसको और फ्राई करेंगे, फ्लेम एकदम मीडियम ही रखेंगे और इसको इसी तरह चलाते हुए फ्राई कर लेंगे। देखिए फ्रेंड प्याज फ्राई हो गया, अब इसमें हम चिली सॉस डालते हैं फ्रेंड, 3 बड़ा चम्मच चिली सॉस डाल लीजिए फ्रेंड। ये देखिए चिली सॉस के साथ ये भी डाल देंगे फ्रेंड, फ्लेम थोड़ा कम करेंगे। इतना ही करना है फ्रेंड इसमें बस। अब इसमें थोड़ा सा पानी और नमक डालेंगे, नमक सॉस में भी बहुत होता है फ्रेंड। बस ज्यादा पानी नहीं, 1 छोटा गिलास मीडियम साइज गिलास से थोड़ा सा तेल बस। अब इसको 2 मिनट फ्राई होने देंगे बस। जैकफ्रूट चिली बनाना बहुत ही इजी है फ्रेंड, बहुत ही इजी। इसी तरह एकदम पकने देंगे मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट ही बस। बिना कोई मसाला का, एक भी मसाला नहीं है फ्रेंड, ये इतना अच्छा ये रेसिपी है फ्रेंड, कोई भी मसाला डालने का जरूरत नहीं है।
2 मिनट के बाद इसको सर्व करेंगे फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, ये बिल्कुल बनकर 2 मिनट बाद तैयार हो गया बिना मसाला का जैकफ्रूट चिली। तो अब इसको सर्व करते हैं फ्रेंड। आप पार्टी में कहीं भी बनाइए फ्रेंड, लोग देख के दंग रह जाएंगे कि ये कैसे बनाए जैकफ्रूट चिली। देखिए फ्रेंड, ये सब्जी बनकर तैयार हो गया फ्रेंड। अगर ये सब्जी का रेसिपी आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और झटपट झटपट घरेलू डिश पे सब्सक्राइब जरूर कीजिए फ्रेंड। रेड बटन जरूर दबाइए प्लीज। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें फ्रेंड और झटपट झटपट घरेलू डिश में अपना अनुभव जरूर लिखे फ्रेंड। आप लोगों को होली का बहुत बहुत बधाई फ्रेंड, तहे दिल से फ्रेंड बहुत बधाई। फिर मिलते हैं अगले रेसिपी में, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।